हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लर्न करने वाले हैं पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट रिलेटेड वोकेबुलरी एंड एट प्रेजेंट रहे मिनिस्टर्स की नेम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मंत्री, मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्टर। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। प्रधान, प्रधान को इंग्लिश में बोलते हैं हेडमैन। उप मुख्यमंत्री को बोलते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सभासद, सभासद को बोलते हैं काउंसलर। घोषणा पत्र को इंग्लिश में बोलते हैं मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो। गठबंधन, गठबंधन को इंग्लिश में बोलते हैं अलायंस। संविधान को इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। नारा, नारा को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन। चुनाव, चुनाव को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन, इलेक्शन। चुनाव आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। चुनाव अभियान को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्शन कैंपेन। चुनाव चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन सिंबल। मतदान को इंग्लिश में बोलते हैं वोट। मतदाता को इंग्लिश में बोलते हैं वोटर। मताधिकार को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रेंचेस। मतदान केंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिंग स्टेशन। मतदान कक्ष को इंग्लिश में बोला जाता है पोलिंग बूथ। मतपत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेट। राजनीति को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिक्स। राजनीतिक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल। राजनीतिक दल को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी। प्रचार को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोपेगेंडा। वाद विवाद को इंग्लिश में बोलते हैं डिबेट। प्रवक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोक पर्सन। उपचुनाव को इंग्लिश में बोलते हैं बाय इलेक्शन। आम चुनाव को इंग्लिश में बोलते हैं जनरल इलेक्शन। संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। सांसद को इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। विधायक को इंग्लिश में बोलते हैं MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। निर्वाचन क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्षद को इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिलर। डाक द्वारा मत को इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टल वोट। वोट डालने की मशीन को इंग्लिश में EVM बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। महापौर को इंग्लिश में बोला जाता है मेयर। रैली को इंग्लिश में रैली ही बोलते हैं। विपक्षी दल को इंग्लिश में बोला जाता है अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी। भाषण देना को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रेस। आचार संहिता को इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। बहुमत को इंग्लिश में बोलते हैं मेजॉरिटी। पूर्ण बहुमत को इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी।
शपथ लेना को इंग्लिश में बोलते हैं टेक ओथ, सत्ता से हटाना को इंग्लिश में बोला जाता है टॉपल, जनमत सर्वेक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं ओपिनियन पोल, कूटनीति को इंग्लिश में बोला जाता है डिप्लोमेसी, रणनीति को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटजी, राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में बोला जाता है कैबिनेट, प्रधानमंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है होम मिनिस्टर, वित्त मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है फाइनेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है फॉरेन मिनिस्टर, कपड़ा मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है टेक्सटाइल मिनिस्टर, रेल मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है रेलवे मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, परिवहन मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, राज्यपाल को इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नर, उपराज्यपाल को इंग्लिश में बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मंच को इंग्लिश में बोलते हैं पोडियम, बैठक को इंग्लिश में बोला जाता है मीटिंग, प्रचार को इंग्लिश में बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, लोकतांत्रिक को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक, सो गाइस अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, थैंक यू।